ربنا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. हम दुआ मांगना सीख लें, दुआ मांगना, फिर अल्लाह अपना गैब चला के दिखा। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हमारे बुजुर्ग फौत हो गए। हाँ जी, मैंने उनका दस्तरखान चलते देखा जैसे बादशाह भी नहीं चला सकते। 6 साल मेरा उनके साथ कच्चे गुजरा, और शाम तक जो पैसा आता था मेरे हाथों से लाखों रुपए उन्होंने तकसीम करवाए, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, वहां दे दो, वहां दे दो। ये नहीं, वो जमा कर लेते थे फिर वो आगे के लिए रखते थे ऐसे। कीनिया, कीनिया में वो अपने कपड़े तकसीम करते रहे, एक जोड़ा तन पे रह गया, एक पीछे रह गया धोने का। तो एक आदमी कह लेंगे ये जोड़ा इसको दे दो, तो हमारे साथी हैं जावेद, उन्होंने कहा जी भाई ये आखिरी है, एक आपने पहना हुआ है, ये दूसरा है, एक तो रखें, एक धोया जाए दूसरा पहना जाए। कहेंगे मैंने बड़ी मुश्किल से गैब का दरवाजा खुलवाया है, तू मेरा बंद करवाना चाहता है, तू मेरा बंद करवाना चाहता है, दे दो इसको। दे दिया। जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट पर उतरे तो वहां एक आदमी पहले से 6 जोड़े तैयार करके लाया हुआ था। सूडान के सफर में एक जगह गाड़ी खराब हो गई, ट्रेन, वहां की ट्रेनें पाकिस्तान से भी थकी हुई, तो उससे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी दुआ जानता हूं जंगल में भी मांगू तो अल्लाह रिस्क पहुंचाए। वो गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 8 घंटे खड़ी रही। अब सारी जमात को लगी भूख, उनका हजरत था वो दुआ मांगे, हमें तो भूख लगी मिलता कुछ है नहीं। तो दुआ तो कुरान की है, कुरान यही हम भी पढ़ते हैं, सहाबा ने भी पढ़ा था। तो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम वाली दुआ पढ़ी, और इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर, ए अल्लाह मैं तेरी खैरात का भूखा। आधा घंटा गुजरा होगा, पौना घंटा, 20 मिनट से पौने घंटे के दरमियान एक काला जंगल से भागता हुआ आ रहा, सर पे टोकरा रखा हुआ, और भगा भगा आया, सीधा डब्बे में चढ़ा जहां मौलाना बैठे हुए थे, उनके सामने टोकरे को रखा और उन्हीं कदमों पे भागा, पीछे पलट के ना बोला ना कहा क्या है क्या नहीं, और जाते का भी पता ना चला, छलावे की तरह गायब हो। कपड़ा हटा के देखा तो पूरा बकरा भुना हुआ उसने रखा। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरी खल्की कुल्लिहिम।